बोलो भारत माता की जय। ये अच्छा कद्दू ले बा, कद्दू 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 बहुत बड़ा हुआ। नहीं देंगे दो डब्बा मेरा ऑर्डर दे चुके हैं। जल्दी धीरे गरम है, गरम है। रात का डिनर हो गया, रात का डिनर है, नाश्ता है, रात का डिनर नहीं। मैं माँ को आया मूव लगाने, तो माँ ने मुझे देखो देखो कैसे कर रही है। ये जगह मेरा है, ये काम मेरा है। ना, ना, मैं यहाँ पे माँ या बेटा का देख रहे, लड़ाई हो रहा है। ये हाँ ये पैर मुझे दे दो, ये पैर मुझे दे दो ठकुराइन। मेरे पापा की धजाइन, ये पैर मुझे दे दो। बाबूजी देख रहे हैं, माँ हमको अपने चरणों से ना दूर कर रही है। मेरा दिल को कितना ठंडक मिल रहा है, तुमको नहीं पता चल रहा है। बाप रे बादल आ रहा है, बारिश होने वाला है। क्या बोल रहे, ये देखा लाइट जल जाओ बाबा, काम हो गया। ये दिखाते हैं बारिश, बारिश किधर से आ रहा है, बारिश इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, ये साइड से। तूफान आएगा, देखिए माँ को देखिए, माँ को देखिए, देखो देखो जब तक नहीं देख के। बाप रे बाप, कितना बड़का हुआ है, ये तो मोटा ही है। हाँ ये वाला मोटा, ये अच्छा कद्दू ले बा, कद्दू 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 बहुत बड़ा हुआ। ये फिट नहीं है, ये मोटा है, नापेंगे पापा। हाँ नीचे रखो, तीन फिट है। बाप रे कमर तक पहुंच गया, तो कमर तक नहीं हुआ। बाप रे बाप, हाँ ऐसा खिल जा। माँ दौड़ के गई खुशी से एकदम तोड़ने। हाँ माँ का बना लिया, आ रही थी तो घर में क्या बीन नहीं है। हाँ घर वाला है, ऊपर और होने दीजिए, पापा दे दीजिए, बेचारे छुएंगे तक हम लोग। आई वाला वजन है, एक हाथ। हाँ ये वाला वजन है, वो देख रहे हैं, वो वाला में भी हम घर से बैठे बैठे आपको दिखा रहे हैं। ये कितना में दिया पता है, ढाई किलो बोले ना, 14-15-16 यूरो का लगभग होगा, ढाई यूरो बोले ना, ढाई किलो वाला चाय है। माँ जिलेबी खाइएगा, इसमें है जिलेबी। कल ले लाएंगे जिलेबी, माँ का मुंह देखो ना, माँ बस बोले माँ को जिलेबी के लिए खाइए। कल कहाँ गलो रे, अभी तो हम ऐसे मजाक किया कि कल देंगे जिलेबी, खाइएगा है नहीं ना। हाँ नहीं खाएगी माँ, समझे, ये सब खाइए माँ। वाह ये देखो जी, मस्त है, कितना मस्त मौसम आया है, अच्छा लग रहा है, एकदम मस्त। सूर्य भगवान चमक रहे हैं, जबकि रात के बज रहा है 8, और ये हाल है, लग रहा है 8 बज रहे हैं। वाह 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 वाह, देश हो गया आजाद, हमारी छोरी भी आजाद है एकदम, जो ना पंछी की तरह घूम रही है। वाह वाह क्या बात है, इसका बिंदी देख सकते हैं, यही इसका देश है, देखिए ये देखिए। बहुत मेहनत से हमारे धर्म पत्नी रहते हैं जर्मनी में, लेकिन ये है मेरा देश, मेरा अभिमान है, मेरा स्वाभिमान है, मेरा देश। क्या बात है, वाह वाह वाह, गर्व से बोलते हैं इंडियन, और इंडियन में क्या बिहारी, समझे क्या बोलते हैं। हाँ हाँ, तो स्वतंत्रता दिवस के जो है पूर्व संध्या पे हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा जो है इस धूप में जाके जरा घूमे फिरे, इतना मेहनत करके आए हैं आप लोग के लिए, सोच रहे हैं। तो अभी हम लोग वॉक पे निकले हैं, बढ़िया लग रहे हैं, लेकिन इधर का व्यू ना बहुत अच्छा, हाँ इसीलिए आए हैं, इधर का व्यू बहुत अच्छा आता है, तो सोचे क्यों ना कुछ रील बनाया जाए। देख सकते हैं हमारी धर्म पत्नी को, ऐसा देश है मेरा, धरती
अंबर नीला रंगीला ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे झंडा निकाल के हम लोग जो है मस्त जर्मनी में अभी घूम रहे हैं। बोलो भारत माता की जय, जय। तो मैडम क्या क्या प्लान है आज? कल खाएगा जलेबी, कल खाएगा जलेबी, मैं दिखाऊंगी जलेबी लेके, और किसी को नहीं देंगे, माँ को किसी को नहीं देंगे, दो डब्बा मेरा मेरा ऑर्डर दे चुके हैं, जलेबी आएगा। ठीक, चलिए हम लोग निकल चुके हैं अपना सामान लेने के लिए जो ऑर्डर दिए थे ना। क्या दिन भर तो खाए नहीं, आज मंगल है बाबा, दिन भर से बस फास्टिंग फास्टिंग चल रहा है, बस फूल थी, फूल कहते हैं फ्रूट और फल खाए, फूल फल खाए, क्या बताएं, कुछ नहीं खाए तो क्या बोले, बस वही खाए काजू। लगता है मंगली बार को जलेबी बनाते हैं, पिछली बार भी ना ऐसे ही गया था कि खाली बहुए खाया था। हाँ पिछली बार भी मंगल को ही जलेबी बना था, और इस बार भी, इस बार तो खैर 15 अगस्त था और मंगल पकड़ा है तो जलेबी अभी बनेगा, तो हम लोग वही लाने के लिए जा रहे हैं। हमने पहले ही कल फोन कल ही किए थे क्या, सुबह कल ही बुक किए थे। तो दो पैकेट हमने बुक किया है, क्योंकि एक पैकेट में ना पेट नहीं भरता, एक पैकेट में सब मिलकर खा लेता है, ये खा लेते हैं खा लेते हैं सब खत्म। तो दो पैकेट हम लोग लेके आए हैं इस बार, एक पैकेट फिर मेरा नाम और एक पैकेट, लास्ट टाइम क्या हुआ था एक पैकेट सब थोड़ा बहुत माँ खाई फिर इधर उधर बांट दिए थे, इस बार ना एक पैकेट आप सबका, एक पैकेट अकेले मेरा, खाली पैकेट लेना, खाली पैकेट क्यों लेंगे, एक पैकेट मेरा, देखो तो जरा समझे। पीछे ऋषित कुमार अपना ना मस्त बोला कि हम ना पहनेंगे झंडा का कलर का सब कुछ, बेचारे के पास टी शर्ट था पेंट हो गया, अब बोलता है ऑरेंज जूता ले गया, बोले ऑरेंज जूता तो पहना है, ऑरेंज और पापा का है ना जूता, उसमें ना थोड़ा सा ऑरेंज का लाइनिंग है, वैसा जूता आज ऋषित पहना है, तो तीनों कॉम्बिनेशन किया है समझे। तो आज बोला कि हम पहनेंगे तो उसको पहना है, वो देखा ना कि मम्मा बिंदी लगा रही है तीन का, तो बोला पहनेंगे। और उसका दूसरा डिमांड क्या पता है, वहाँ जाके ना जाके वहाँ पे खाने का, कि वहाँ ना बर्गर मिलेगा, ये मिलेगा, आइसक्रीम मिलेगा, धूप है, वहाँ जाके खाएंगे, और ये खाता है वहाँ पे और हम लोग ना इसको देखते हैं, हम लोग को खाना नहीं रहता है क्योंकि शाम ढलेगा उसके बाद ही खा सकते हैं ना। अभी देख रहे हैं अभी कितना टाइम हुआ है, अभी 7 बज रहा है और 7 बजे इतना धूप है, ये देखिए याता का है, ये देखिए इसका बर्गर है, और ये अंकल की तरफ से हमेशा इसको गिफ्ट मिलता है, इसीलिए ये लड़का आता है। धीरे धीरे गर्म है, गर्म है, रात का डिनर हो गया, रात का डिनर है, नाश्ता है, रात का डिनर नहीं, हाँ ये स्नैक्स हो गया इसका, इसीलिए ये लड़का ना आता है। जा जी और लाओगे इसको, हम तो बोले थे नहीं लाने, चलो दे देखिए, हम लोग जो सरवन हवेली आए हुए हैं, हमारी बीबी जो है आजादी के दिन में जो है जे झूला झूल रही है, और हमारे बच्चों को देखिए मस्त जो है ना एकदम दबाया जा रहा है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, जलेबी लिए हुए हैं। अरे बात आ गई, सीरत हेलो कुल्फी भी हमें खाना था, हाँ, मतलब कुल्फी मिस हो गया, कुल्फी मिस हो गया है, मतलब अंकल दे दिए, जितना दे दिए ना, बोले हैं अंकल नहीं बोलने, पाजी बोलने के लिए, पाजी भाई, हमरो पाजी है, इनको भी पाजी बताओ। तो हम लोग जलेबी गर्मा गर्म जलेबी ले चुके हैं, सूर्य भगवान कितना आग बरसा रहे हैं, चमक रहे हैं, देख रहे हैं, हम देख ही नहीं पा रहे हैं, जबकि ना ये डाले हुए सीड्स, तो भी हम लोग निकल चुके हैं, पूरा ले चुके हैं और शाम का वेट कर रहे हैं। आज तो लग रहा है 11 बजे से पहले ना सनसेट नहीं होगा समझे, जब तक अंधेरा नहीं होगा तब तक तो खाएंगे नहीं, और बोले कि आप लोग भी गरम खा लीजिए, बोले मंगल है, और ऋषित कुमार को मस्त देखे कितना वो बैठ के खाया है,
उनकी बेटी आई बोली चलिए आपको सोनन ब्लूमन का ना पूरा खेत दिखाते हैं। मस्त खेत मतलब समझ नहीं आएगा। सोनन ब्लूमन सूर्यमुखी का पेड़ दिखाने के लिए ले गई थी मस्त खेत में। बहुत क्यूट है वो। जब भी जाते हैं ना हम पूछे आपको मेरा नाम पता है, बोलती नहीं बस मुंह से पता है। बहुत क्यूट है, बहुत ज्यादा क्यूट। चलिए इस ब्लॉग को अब यही एंड करते हैं। ये स्वतंत्रता दिवस वाला ब्लॉग ये जिलेबी के साथ और हमारा ब्लॉग किसी भी रीजन पे अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा फॉलो कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। क्या जाजी चलिए बस बस ऐसे ही आपका प्यार और सपोर्ट मिलते रहे भाई। थोड़ा ध्यान दीजिए बस। चलिए मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में इस जिलेबी के साथ। बाय बाय।